Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vinita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already completed Section 25 that is relating to acquisition of easement by prescription. Easement by prescription हमने discuss किया था कि जब लंबे time तक कोई easement या right of enjoyment चल रहा होता है तो वो easement by prescription हो जाएगा. और जो टैक्स सेक्शन 27 है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 25. इट कैन ऑल्सो बी रीड एज द सप्लीमेंट ऑफ सेक्शन 26. इसे आप एक्सटेंडेड फॉर्म भी कह सकते हो सेक्शन 25 की. देखिए ये कह रहा है कि एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर ऑफ सर्वीनियंट इन्वेंट. एक्सक्लूजन होगा किस चीज के, इसके फेवर में, रिवर्जनर के फेवर में होगा. सर्वियंट इन्वेंट क्या होता है और रिवर्जनर क्या होता है? सबसे पहले ये एक नॉर्मली बात कर रहा है कि जो रिवर्जनर्स होते हैं उनके फेवर में कुछ जो टाइम है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, लिमिटेशन में उसको काउंट नहीं किया जाएगा अगर वो रिवर्जनर है किसी सर्वियंट इन्वेंट का. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज रिवर्जनर एंड सेकेंड टर्म इज सर्वियंट इन्वेंट क्या होता है. वैसे देखा जाता है तो रिवर्जनर का मतलब होता है रिवर्ट बैक टू द प्रॉपर्टी. जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी वापस जाएगी रिवर्ट होके उसे रिवर्जनर बोला जाएगा. अगर हम इसे समझते हैं रिवर्जनर कौन होते हैं, हु गेट द प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक, अब एक आप यहां एग्जाम्पल लीजिए. मान लीजिए ए है कोई व्यक्ति, इसने ये वाली जो अपनी प्रॉपर्टी है किसी बी को लीज पर दे दी फॉर 10 इयर्स. 10 इयर्स लीज पर दे दी. अब ए की डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो जाएगी. जब ए की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि ए का जो सन है या ए की जो डॉटर है, अब जब ये लीज का 10 साल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है ये वापस किसके पास जाएगी, डी या डॉटर के पास जाएगी या सन के पास जाएगी. दोनों है तो इक्वल पार्टीशन यहां पर उन दोनों का हो जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी जहां ये एस या डी को गई है ये क्या है, ये इस प्रॉपर्टी के लिए आप कहोगे रिवर्जनर्स है, इनको प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होगी. ये होता है रिवर्जनर. अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें दैट इज सर्वीनियंट इन्वेंट की बात करें, टेनमेंट को आप कह सकते हो टेनेंसी. टेनमेंट यू कैन से दैट टेनेंसी, ये एक टेनेंसी है. किसी को आपने किराए पर प्रॉपर्टी दे दी है, कोई रेंट पर दे दी है, टेनेंसी किसको हम कहेंगे. सर्वियंट और सर्वियंट क्या होता है, अगर हम बात करें ईजमेंट एक्ट की, ईजमेंट एक्ट का प्रोविजन है सेक्शन 4 जो बात करता है डोमिनेंट हेरिटेज और सर्वियंट हेरिटेज. जो सर्वियंट हेरिटेज दोनों टर्म की बात करता है. क्या है दोनों टर्म, आपने लिख दिया है कि ये दोनों टर्म होती है पर होती क्या एक्चुअल में. इसको अगर हम समझें तो डोमिनेंट का मतलब होता है जो उस प्रॉपर्टी पर जिसका मौजूदा टाइम में इजमेंट्री राइट चल रहा है, और सर्वियंट जो है एक्चुअल ओनर जो होता है. अगर हम इस एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए यहाँ पर ये प्लॉट है ए का, ये प्लॉट है बी का. ए क्या करता है, अपने जो गाड़ी है उसको यहाँ कार पार्क करता है, ठीक है. तो ये ए जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमिनेंट हेरिटेज का मतलब होता है प्रॉपर्टी, और बी जो है वो क्या है, सर्वियंट हेरिटेज हो जाएगा. तो कह रहे हैं जो सर्वियंट हेरिटेज है जिसकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में है जो वापिस रिवर्जनर के पास जाएगी तो उस टाइम पीरियड का एक्सक्लूजन हो जाएगा. उस टाइम पीरियड तक अगर कोई व्यक्ति जो है उस प्रॉपर्टी पर एंजॉयमेंट कर रहा है तो वो क्या है, उसमें से एक्सक्लूजन हो जाएगा. अब हम समझते हैं हमारे प्रोविजन को. ये कह रहा है वेयर, जहां कहीं भी एनी लैंड और वाटर अपन, कोई भी जमीन है या कोई पानी का कोई राइट है, आवर और फ्रॉम जिसके ऊपर या जिससे
विच एनी इजमेंट हैज बीन एंजॉयड, जिस पर कोई इजमेंट जो है एंजॉय हो रहा है, किसी व्यक्ति ने अपना इजमेंटरी राइट एंजॉय कर रहा है या डिराइव कर रहा है उस राइट को, हैज बीन हेल्ड अंडर और बाय वर्च्यू ऑफ एनी इंटरेस्ट फॉर लाइफ, जिस पर किसी का लाइफ इंटरेस्ट चल रहा था, लाइफ इंटरेस्ट तक किसी को कोई राइट दिया गया था, या टर्म एक्सीडिंग 3 years तक प्रॉपर्टी दी गई थी फ्रॉम द ग्रांट, ग्रांट किया गया था, द टाइम ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ सच इजमेंट, जितना टाइम किसी व्यक्ति ने उस इजमेंट का एंजॉय किया है जब तक वो लाइफ इंटरेस्ट चल रहा था, या वो 3 साल के लिए कुछ ग्रांट की गई थी, शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड 20 years, जो 20 years का पीरियड था जो पिछले सेक्शन 25 में हमने पढ़ा था, वो 20 year का जो टाइम है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और इन द केस द क्लेम इज विद इन 3 years नेक्स्ट आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ सच इंटरेस्ट। 3 year का मतलब है कि अब 3 साल का टाइम उस रिवर्जनर को होगा, वो जो 3 साल के अंदर अपना सूट फाइल कर सकता है और जो एंजॉयमेंट का राइट जिस व्यक्ति के पास है उससे वो राइट ले सकता है, रजिस्टर कर सकता है बाय द पर्सन एंटाइटल दिया हुआ ना उस व्यक्ति के द्वारा जो एंटाइटल है यानी कि रिवर्जनर, ऑन सच डिटर्मिनेशन ऑफ द सेड लैंड और वॉटर, उस पानी या जमीन पर। अब इसको समझते हैं क्या है, अपना बेयर एक्ट अपने पास रखिए तभी आपको ये पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ आएंगे, अदरवाइज आपको मिस्टेक रह जाएगी। देखिए सबसे पहली चीज बात कर रहा है सेक्शन, अगर हम बात करें सेक्शन 26 की, सबसे पहले तो सेक्शन 25 को ये ले रहे हैं। सेक्शन 25 में क्या है, 20 years का टाइम पीरियड है। 20 years क्या है, एंजॉयमेंट का टाइम पीरियड है कि 20 साल तक किसी ने एंजॉयमेंट किया है तो वो क्या कर सकता है 25 में, कोर्ट में अपना राइट डिक्लेयर करवा सकता है। लेकिन सेक्शन 26 ये बात कहता है वेयर एनी लैंड, मान लीजिए ये लैंड है ठीक है, या कोई वॉटर, ये वॉटर से रिलेटेड कोई, या आप ये कह सकते हो कि कोई ये वॉटर है यहाँ पर ठीक है, ये वॉटर है ये लैंड है, कह रहे वॉटर या लैंड है उसके ऊपर, इसके ऊपर या इससे, इस लैंड के ऊपर या इससे, कह रहा है विच एनी इजमेंट हैज एंजॉयड और डिराइव्ड हैज बीन हेल्ड अंडर बाय विच ऑफ एन इंटरेस्ट, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जो है लाइफ इंटरेस्ट के लिए दी गई है किसी व्यक्ति को, लाइफ इंटरेस्ट, ये दोनों प्रॉपर्टी जो है लाइफ इंटरेस्ट के लिए दे दी गई, एक कोई व्यक्ति है ए, वो ये कहता है कि मेरी ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली ये मैं बी को दे रहा हूं कि बी लाइफ इंटरेस्ट तक, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक लाइफ इंटरेस्ट तक, या 3 साल 3 years एक्सीडिंग दिया है ना, एक्सीडिंग 3 years ये कह रहे हैं, या तो 3 साल तक किसी व्यक्ति ने मान लो लीज पे दे दी है, ये पानी है इस पानी में मान लो फिशरी होती है हम यहाँ पर मछली पालन कर सकते हैं, या ये एक प्रॉपर्टी है जिस पर फसल बोया जा सकता है, तो ए ने इन दोनों में से अपनी ये प्रॉपर्टी जो है बी को दे दी लाइफ इंटरेस्ट के लिए, या मान लो ये प्रॉपर्टी दे दी इसने बी को किस चीज के लिए, लीज पर दिया हुआ है ना इसमें, कि या तो मान लो इंटरेस्ट लाइफ इंटरेस्ट और इन टर्म ऑफ टर्म एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम ग्रांटिंग, ग्रांट कर दी है लीज पर दे दी है। अब मां ये लाइफ इंटरेस्ट दिया गया, अब इसको हम डेट वाइज समझते हैं कैसे, डेट वाइज कैसे समझते हैं कि ए ने जो प्रॉपर्टी दी है, अब ए ने जो प्रॉपर्टी दी बी को वो दी लाइफ इंटरेस्ट के लिए ठीक है, अब बी ये कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर क्या है मैं जो अपनी इस प्रॉपर्टी पर कोई काम नहीं कर रहा। अब क्या करता है ये जो प्रॉपर्टी है बी की, इस पर सी आता है, सी आके यहां पर कार पार्किंग करता है ठीक है, अब ये कार पार्किंग इसने यहां पर की 20 साल तक, और ये जो लाइफ इंटरेस्ट था इस व्यक्ति का, ये मान लो लाइफ इंटरेस्ट दिया गया 1/1/1980 को लाइफ इंटरेस्ट दिया गया, और इस व्यक्ति की डेथ होती है मान लीजिए हम कह दें कि 1/1/2000 को इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब डेथ हुई थी उस टाइम तक ये व्यक्ति का 1/1/19 से लेकर इस व्यक्ति ने 1/1/2020 तक अपना एंजॉयमेंट यानी कि इजमेंट एंजॉय किया, यहां पर इजमेंट एंजॉय किया। अब ये व्यक्ति यहां पर भी क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई।
अभी लाइफ इंटरेस्ट था, यानी कि जब तक वो जीवित रहता तब तक बी के पास राइट था, वो राइट कहाँ चला गया, ए के पास, या तो ए के पास चला गया। अगर ए की भी डेथ हो जाती है तो उसके सन या आगे डॉटर कोई भी है उसके पास चला जाएगा। तो ये जो 20 इयर्स का टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में सी यहाँ पर रहता है। अब सी जाता है कोर्ट में, कोर्ट में जाके क्या करता है, सूट फाइल करता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन करता है। जब कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया तो ए ने यहां ये बात कही कि जिस टाइम की वो बात कर रहा है वो टाइम तो क्या था, लाइफ इंटरेस्ट में दिया हुआ था और उसने लाइफ इंटरेस्ट में ही वो टाइम एंजॉय किया है। ठीक है, तो ये जो 20 साल का जो टाइम पीरियड इसने एंजॉय किया था, इसकी यहां पर वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर इसे अपना इजमेंट्री राइट क्लेम करना है तो अब 2020 से लेकर आगे 20 साल तक उसे दोबारा अपना राइट एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो सूट फाइल कर सकता है फॉर डिक्लेरेशन के लिए। ये इसमें बात हो रही है। यानी कि सेक्शन 27 क्या करता है, सेक्शन सॉरी 26 क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है रिवर्स नर्स को, ये रिवर्स नर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक व्यक्ति है कोई ए, उसने क्या किया, डिक्लेरेटरी सूट फाइल किया, इसने सूट फॉर डिक्लेरेशन किया, सूट ऑफ डिक्लेरेशन फाइल किया अंडर सेक्शन 25 के तहत कि उसका जो है 20 इयर्स का यहां पर क्या है, एंजॉयमेंट का राइट है। ठीक है, किस चीज का राइट है, कोई भी राइट टू वे का राइट है, मान लो राइट टू वे, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रिये की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी तक जाने के लिए ये एक राइट टू वे यहाँ एक्सरसाइज कर रहा था। ठीक है, ये राइट टू वे एक्सरसाइज कर रहा है यहाँ पर, इसने क्या किया, कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके बोला, सूट फाइल किया कि जी मुझे ऐसे करके मेरी डिग्री आप जो है दीजिए, डिक्लेरेटरी डिग्री दीजिए। ए को प्रूव करना था कि उसने 20 साल तक वहां पर राइट एक्सरसाइज किया, ए ने सूट फाइल कर दिया। अब बी आता है यहाँ पर, बी आएगा, ए ने ये जो सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट फाइल किया, अब बी यहाँ पर आया, बी आके कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी का ये राइट की बात कर रहा है, ये प्रॉपर्टी एक विडो के पास थी, एक विडो के पास थी फॉर 10 इयर्स, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए एक विडो के पास थी, और अब जो है विडो की डेथ हो गई है, लाइफ इंटरेस्ट दिया हुआ था विडो को कि जब विडो जीवित रहेगी तब तक उसका राइट एक्सरसाइज कर सकती है वो, अब विडो की क्या हो गई, डेथ हो गई, विडो की डेथ हो गई। तो ये जो 10 साल है ना, ये 10 साल अब ये क्या करेंगे, ये जो 20 साल इसके थे, ए के जो 20 साल थे उसमें विडो जो थी उसके 10 साल कट जाएंगे, तब कितना बच जाएगा, 10 ईयर्स का टाइम बच जाएगा। लेकिन एज पर 26 क्या है, 20 इयर्स का क्या होना चाहिए, एंजॉयमेंटली एंजॉयमेंट का उसका राइट होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या सूट डिसमिस होगा, यस द सूट विल बी, द सूट शैल बी डिसमिस्ड, शैल बी डिसमिस्ड, डिसमिस्ड इसलिए होगा क्योंकि अभी उसका एंजॉयमेंट का राइट था जो 20 ईयर होना चाहिए था। ए एज एंजॉयमेंट राइट इज ऑफ ओनली एंजॉयमेंट राइट is of only 20 years. Sorry, उसका 10 साल का ये टाइम पीरियड रह गया था। तो एक तरीके से जब ये बात कर रहा है ना, तो इसके लिए आप दो ही कंडीशन आप लेके चलोगे। जब हम बात करेंगे, when we talk about section 26 की बात करेंगे, तो वो दो पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहले रिवर्सनर के फेवर में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये बात कर रहा है कि या तो लाइफ इंटरेस्ट हुआ हो या उसने ग्रांट किया हो मोर देन 3 इयर्स, एक्सीडिंग 3 इयर्स है ना। ग्रांट किस बेस की हो सकता है, हमने टेनेंट रखा हुआ हो उसको, या मान लो हमने लीज पे दिया हुआ हो, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का जो टाइम है वो एक्सक्लूड, टाइम शैल बी एक्सक्लूडेड, ये टाइम जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, रिवर्सनर के फेवर में बात हो रही है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का टाइम रन नहीं होगा। ये बात कर रहा है हमारा सेक्शन 26।
आई होप आपको आज का मेरा ये जो वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना अपने फैमिली मेंबर्स अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।